मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की अलग ही खुशी होती है यार। अब यार अगर आपका एक नंबर से भी रह गया ना तो आप बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम करिकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी गवर्नमेंट कॉलेज का। यार कट ऑफ आउट हो चुका है, इट्स बीन की इवनिंग में, कल इवनिंग में मैं लाइव भी आया था, रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिल गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिली हुई है। अब आगे क्या करना है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको कट ऑफ में ब्रीफ करने वाला हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितने तक वैरी की हुई है। एक इसी तरीके से एक प्राइवेट कॉलेज पर भी एक वीडियो आएगी, और जो लोग रिपोर्टिंग करने का प्लान कर रहे हैं, जिनकी अलॉटमेंट आ गई है, उनको बस शॉर्ट में इतना बता दूं, जो उनका नोडल सेंटर, जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसको ही नोडल सेंटर बना दिया गया है, और एक PDF भी आई हुई है उसमें, उसके अकॉर्डिंग उसमें नोडल सेंटर सारे मेंशन है। कमिंग वीडियोस में आपको वो मिल जाएगा। तो जब भी नोडल सेंटर जाएं तो पूरी प्लानिंग के साथ जाएं, किस तरीके से अपग्रेड वगैरह करना है, उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जो लास्ट लॉटिंग रहे हैं ऑलमोस्ट यही 2-3 कॉलेज गए हैं, जौनपुर, प्रतापगढ़ और गाजीपुर, ये सारे कॉलेज थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा स्टूडेंट पर अपनी कृपा दिखा दी है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गए हैं ताकि उनको अलॉटमेंट मिल गई है। मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की अलग ही खुशी होती है यार। अब यार अगर आपका एक नंबर से भी रह गया ना तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि रह गए होंगे। अब जैसे कि मेरा जो प्रेडिक्शन था ऑलमोस्ट 20,000 तक था ये, और देन 18, 19, 20, मैं हमेशा से ही लिखते आया हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया हुआ था, पुराना वाला बैनर तो आपने देख रखा होगा। अभी फिलहाल जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेटा है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लास्ट सीट अलॉटिंग है राउंड वन की 18,298, ये मतलब जेंडर न्यूट्रल वाली कट ऑफ है, और ये आपकी गर्ल्स कैंडिडेट की कट ऑफ है। यहाँ पे 602 गया हुआ है 17,960। एक कैंडिडेट यार जो मेरे यहाँ से थी उसका मतलब इसके बाद वाला जो एक रैंक था ना, एग्जैक्टली सेकेंड लास्ट अलॉटिंग उसका था, ठीक है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ रहा था इसके बाद में। अब जनरल वाले के लिए कहीं ना कहीं अभी भी कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा यार, क्योंकि 18,000 तक ये गया हुआ है, 600 नंबर मैंने मेंशन कर रखा था और 18,000 रैंक मैंने मेंशन की हुई थी, थोड़ा बहुत वेरी किया हुआ है। अब कितना एक्सटेंड करेगा राउंड वाइज उस पर भी बात करेंगे। अभी पहले देख लो EWS वाला 19,340 और GL का यहाँ पे 19,264, 599 नंबर तक गया हुआ है। OBC वाला आपका 597 तक गया हुआ है, 20,206 रैंक तक गया हुआ है, यहाँ पर 20,134 रैंक तक गया हुआ, क्लियर। SC वाले का 1,29,393 यार, SC वाले कैंडिडेट में ना कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। अगर रैंक वगैरह मैच करोगे तो आई थिंक लगभग 1,30,000 के आसपास लास्ट टाइम भी कुछ रही थी, वही कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है तो यहाँ पर, लेकिन बस मार्क्स में वेरिएशन ये है, लास्ट टाइम 457 था, है ना, इस बार 454 हो गया है ना, बस इतना सा एक डिफरेंस यहाँ पे बचा हुआ है। अब जिन भी स्टूडेंट्स का लगभग SC में अगर मैं बोलूँगा 10 नंबर कम है तो बस वही उम्मीद रखें, 10 के बाद अगर किसी का 11 है तो उसका उम्मीद ख़त्म है, समझ गए ना। तो इसका 80 वाले के इतने तक उम्मीद रख सकते हो। हाँ, अब बात आती OBC वाले कितने तक उम्मीद रखें, तो यार थोड़ा सा 22,000 रैंक तक जिस भी बच्चे का आया हुआ है वो यहाँ पे उम्मीद रख सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप बस EWS वाले का 20,000 तक, और आप इनका ले लो 18,500 तक, बस 18,500 से ऊपर ना नीचे कहीं फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्सटेंड करेगा तो आपका इधर तक आ जाएगा, ये वाला एक्सटेंड करेगा तो इधर चला जाएगा, क्लियर। उसके बाद में ST वाले कैंडिडेट का लास्ट सीट अलॉटिंग 459,635 तक गया हुआ है। अब ST वाला तो मैं बोलता हूँ कोई भी रैंक हो यार जरूर पार्टिसिपेट करो, तो फिर से वही सेम चीज़ है। अब सारा क्लियर हो गया ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी एक तरीके की मैंने बता दी है ना। तो वीडियो आज के यहीं तक, कुछ भी डाउट क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और दूसरी चीज़, अगर आप यूपी नीट की काउंसलिंग कर रहे हो, वो आपकी आयुष काउंसलिंग हो या MBBS काउंसलिंग हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जितना मैं आपको डिटेल्ड में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको इंडिया के किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।